ऑल ऑफ यू शुड हेल्प ईच अदर, है ना। सब एक दूसरे की हेल्प करो, देखो कंपटीशन सब अपनी जगह है ना। होता है कभी कभी हमारे में कंपटीशन होता है, हम आगे हम पीछे, इस तरह का सब चलता रहता है। बट वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, जानवर नहीं है हम लोग। तो ह्यूमन बींग्स हैज द नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉब्लम। कभी तुम लोगों ने मुझे प्रॉब्लम बताई है तो मैंने तुम्हें कभी कोई रेस्ट्रिक्टेड आंसर दिया है कि नहीं यही करना है ना। आई हैव ऑलवेज ट्राई टू गिव यू अ डिफरेंट सॉल्यूशन जो तुम शायद कर पाओ या तुम्हारे लिए इजी हो सके, है ना। सो दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग दैट वी शुड फॉलो, और स्पेशली इन दीज डेज व्हेन वी ऑल आर फेसिंग डिफिकल्टी। ठीक है, तो इट इज वेरी गुड कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करो। जस्ट एटलीस्ट दो दो का ग्रुप तो रखो कि एक की एब्सेंस के अंदर, बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि कुछ लोगों को कभी एब्सेंट होना होगा, कभी नहीं होना होगा, तो देर आर हाई चांसेस। तो एक दूसरे का एक ऑल्टरनेट होता है ना, हिंदी में वर्ड होता है पूरक, है ना, और इंग्लिश में वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो कीप अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट याद है तुम्हारे को? ठीक है, 999 में से अगर आप 111 हटाओगे तो क्या बच जाएगा? 888, है ना। 999 में से अगर आप 111 हटाओगे तो 888 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट 111 है तो दूसरा 888 करके वापस 999 फिगर बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज को फॉलो करो। सो टेल मी, कोई प्रोग्राम बताओ जिसे डिस्कस करना चाहिए हमें, इन दिनों में करने में कुछ दिक्कत आई हो। यू ट्राइड दोज प्रोग्राम्स? आप लोगों ने किए? स्वयं वाला हुआ, स्वयं वीक वन वाला हो गया पूरा। तो आ गए होंगे ना, रिजल्ट्स भी आ गए होंगे। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव अपलोडेड ऑल्सो, राइट? नाइन हैज टर्न्ड इन, फाइव हैज नॉट। फाइव ने ज्वाइन नहीं किया या कुछ दिक्कत चल रही? अगर ये वाला असाइनमेंट मिस भी हो गया डजंट माइंड, है ना। ऐसा नहीं है कि ये मिस हो गया तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। कोर्स करना इंपॉर्टेंट है। देखो सबमिशन और ये सब तो मुझे क्या होता है, आदत बनानी होती है। व्हेन एवर यू वांट टू मेक सम हैबिट यू हैव टू क्रिएट अ शेड्यूल। ठीक है, सो फॉर क्रिएटिंग दैट शेड्यूल आई पुट इट एज एन असाइनमेंट। तो अब आपकी क्या होगा, पहला असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट, तीसरा असाइनमेंट, ऐसे करके अपलोड करने की आदत बन जाएगी। देन आपका रूटीन बन जाएगा, जो भी आपने देखा फिर आप उसका असाइनमेंट का भी देखोगे। ठीक है, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो तुम्हारे से होने चाहिए, या एक क्वेश्चन के अंदर 50% पार्ट तो तुम्हारे से होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्वयं कोर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, लेट अस गो फॉर सम कोर प्रोग्रामिंग। आई शेयर यू दैट लिंक ना, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज टू। तो मैंने लिंक शेयर किया था, आई थिंक। नो सर, लिंक शेयर नहीं किया क्या मैंने? हाँ नहीं सर, किया था आपने ना, रिकॉर्डिंग के साथ किया था। ओके, मैंने, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है एक असाइनमेंट में भी मैंने शेयर किया है। फाइन, कैन यू रिमाइंड मी द लिंक सर कोर्स कोड, डोप, कोर्स डोप। है ना, कोर्स डॉक। ठीक है, सो इन कोर्स डॉक वी आर स्पेसिफिकली डूइंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम बन गया? ट्राई किए? कौन कौन सा ट्राई कर लिया? देखो जिस जिसने किया बताओ। आचल क्या किया? आचल, सीमा, तनु, यस सर, वो ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग किया है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखो कितने प्रोग्राम थे, 12 प्रोग्राम थे, उसमें से और आगे नहीं किया? सर एक्चुअली ना, ये वाली साइट चली नहीं रही है मेरे कंप्यूटर में, मैंने बहुत ट्राई करा।
तो बेटा ये ना, ये ऑब्जेक्टिव तो किसी से ले सकते हो ना। डू वी रिक्वायर टू रन द वेबसाइट किसी से? ये देखो, ये इस तरह से ओपन हुआ, ये राइट क्लिक किया, ये प्रिंट किया, ये पूरी पीडीएफ सेव हो गई। ठीक है, अभी क्या ये इस तरह की पीडीएफ हम ले नहीं सकते किसी फ्रेंड से, जिसमें क्वेश्चंस क्वेश्चंस आ जाए हमारे पास में? बट वी कैन ट्राई देम। करने के तरीके ढूंढो, ना करने के तरीके मत ढूंढो, प्लीज प्लीज प्लीज। बिकॉज इफ यू थिंक कि इस कोर्स को सरवाइव कर लोगे, इट इज वेरी इजी टू सरवाइव दिस कोर्स। आप लोग, मैं बता रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया ना, उतना भी तुम पढ़ करके वापस आ गए ना, तो यू विल डेफिनेटली बी इजीली क्लियर योर एंटम एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट एंटम एग्जामिनेशन एंड क्लियरिंग द आरटीयू एग्जामिनेशन शुड नॉट बी योर फाइनल गोल, इज इट? ऐसा है क्या? अगर अगर वही गोल है देन इट्स ओके, बट अदरवाइज इफ यू हैव गोल टू रीच अप टू अ लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग जहां पे यू कैन से समवन दैट प्रोग्रामिंग इज माय इंटरेस्ट पॉइंट, यू कैन आस्क मी समथिंग ऑन प्रोग्रामिंग। एंड व्हाट अ कंप्यूटर आईटी इंजीनियर इज विदाउट प्रोग्रामिंग? अगर उसी से हमें डर रह जाएगा तो फिर क्या बचेगा? तुम लोग कह रहे थे ना मुझे कि हम लोग डर रहे थे और वो कर रहे थे, तो डर निकालो ना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वॉल्यूम, ये वाला किया किसी ने प्रोग्राम? नहीं, एक्चुअली लैब्स हम लोग किस तरह से करेंगे? देखो, लैब्स हम इसी तरीके से करेंगे। एक बार स्टार्ट होंगे, प्रोग्राम को समझेंगे, देन हम लोग हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे। ठीक है, उस हाफ एन आवर के अंदर आप लोग वो प्रोग्राम बना करके देखोगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव कनेक्टेड रहूंगा। ठीक है, बट 3 घंटे आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 3 घंटे, बिकॉज आई एम यूजिंग द इंटरनेट समटाइम्स ऑफ कॉलेज, बिकॉज अभी देखो नहीं चल रहा था तो मुझे 10-15 मिनट लग गए। सो आई एम यूजिंग माई पर्सनल इंटरनेट, सो समटाइम्स देर आर इश्यूज एट माई साइड ऑल्सो, बट अदरवाइज इफ आई एम यूजिंग कॉलेज इंटरनेट देन आई विल डेफिनेटली बी कनेक्टेड फॉर द 1, 2 और 3 आवर्स, जो भी तुम्हारा लैब का ड्यूरेशन है। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, 5-10 मिनट एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। उस प्रोग्राम के डिस्कशन के बाद में यू विल बी मेकिंग दैट प्रोग्राम इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। ओके, और फिर उस हाफ एन आवर के बाद में यू विल अगेन कनेक्ट, और उस हाफ एन आवर में भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कनेक्ट एंड शेयर योर स्क्रीन एंड आस्क मी द प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर कोई लोग को डायरेक्ट कंपाइलर पे पहले बनाने में नहीं आ रहा है, यू कैन डू इट ऑन पेन एंड पेपर ऑल्सो। ठीक है, एंड वंस द लैब इज ओवर, यानी एक लैब का स्लॉट खत्म होगा, तो आफ्टर द लैब मैं तुम्हारे को जो भी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज उस लैब में दी थी करने को, वो दोनों उसी दिन हाथों हाथ अपलोड कराऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग लैब किस तरह से करेंगे? ठीक है, ऑल यस दो हम लोग है ना, ऑल दो हम लोग यही सब काम वैसे भी कर ही रहे हैं ना, हम लोग तो अभी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा प्रोग्राम में डिस्कस किए हम लोगों ने, तो लैब हमारे लिए कुछ अलग नहीं होगी। बस इस लैब के अंदर क्या होगा, बिकॉज थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा है तो पैरेलली तुम्हें भी प्रोग्राम बनाने का पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन करंट लेक्चर स्ट्रेटेजी एंड लेबोरेटरी स्ट्रेटेजी इज दिस। ठीक है, कि आप लोग भी पैरेलली प्रोग्राम्स बना सको। ओके, तो नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव लैपटॉप्स? आई थिंक 2 और 3 है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। यस सर। तो एक सीमा के पास है, मेघना वॉज सेइंग है ना, यस सर। और कोई? और कोई मेरे पास अदर भी सर? ओके, रितु 3 है ना, तो सर। थ्री यस फोर सर। लैपटॉप है ना, तो 4-5 लैपटॉप्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 30% लोगों के पास ही है, तो अदर्स आर, अभी आप लोग कंपाइलर के साथ में जो मोबाइल वाला कंपाइलर है उसके साथ में फ्रेंडली हो गए हो या नहीं हो गए हो? टेल मी योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या लेवल चल रहा सही चल रहा है सर। है? फिर भी एक सही चल रहा है। ओके, व्हाट अबाउट भूमिका?
यस सही चल रहा है. यू आर एबल टू क्रिएट प्रोग्राम्स ऑन द मोबाइल कंपाइलर. यस सर. ओके गुड. तनु देखो प्रॉब्लम बताओ. कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सबको यस ही बोलना ठीक है ना. ऐसा नहीं है, कुछ ऑल्टरनेट सोचेंगे. चल रहा है ना सब लोगों से. एग्जाम बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है. है ना. सो इसके लिए क्या किया करो, पहले है ना पेन पेपर पे उस प्रोग्राम का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो ठीक है. बिकॉज क्या होता है, लैपटॉप पे आपके पास में कीपैड होता है अलग से, है ना, सब कुछ आपको अलग, स्क्रीन एकदम अलग होती है. अब इसमें क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन पे कीपैड लाते हो तो आधी स्क्रीन तो आपकी कीपैड से ब्लॉक हो जाती है, राइट. ये इश्यूज आ रहे होंगे ना. तो इस वजह से एक प्रोग्राम की पहले स्कीमा पहले बनाओ, है ना. तो स्कीमा अगर पहले बना लोगे तो आपको ये पता होगा कि इतने में ये बात लिखनी है, इतने में ये बात लिखनी है, इतने में ये बात लिखनी है, ठीक है. प्रैक्टिस में टाइम तो लगेगा. एक और तरीका है, अगर आप लोग इन केस यू कैन डू ओटीजी केबल के साथ में, अगर किसी के लेटेस्ट मोबाइल होंगे ना तो ओटीजी केबल के साथ में बाजार में 150 के आसपास का कीबोर्ड आते हैं, है ना. दोस कीबोर्ड्स कैन अटैच इन टू द मोबाइल फोन विद विद ओटीजी केबल, ठीक है. और अगर आपके पास में सपोज लैपटॉप नहीं है बट यू हैव एंड्रॉइड टीवी, है ना, सो इन दैट पर्टिकुलर टीवी यू कैन शेयर योर स्क्रीन. और उस स्क्रीन, क्योंकि वो आपको एक कंप्यूटर की स्क्रीन जितनी बड़ी फीलिंग दे देगी, तो फिर आपको लगभग लगभग वैसा ही फीलिंग आएगा. यू अंडरस्टूड माई सोल्यूशन? एनीवन हैज एंड्रॉइड टीवी? कोई है, किसी के पास है स्मार्ट टीवी? नहीं है, है ना. तो एक डिवाइस आता है क्रोमकास्ट बोलते हैं उसको. अगर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है ना तो क्रोमकास्ट इज अ डिवाइस दैट इज अराउंड 800 और 900 के आसपास का डिवाइस आता है. एंड दैट कैन हेल्प यू टू शेयर योर मोबाइल स्क्रीन ऑन टेलीविजन. कोई सा भी टेलीविजन हो सकता है, HDMI होना चाहिए बस उसमें, ठीक है. तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो कहाँ रेप्लीकेट हो जाएगा, आपके टीवी पर रेप्लीकेट हो जाएगा. ऑब्वियसली देखो टीवी एक पब्लिक डिवाइस है, मतलब पब्लिक डिवाइस मतलब पूरे घर का उस पर है ना हक होता है. तो आप पढ़ाई करने के लिए भी अगर टीवी हथियार लोगे घर वालों की तो दे में गेट एग्री ऑन यू, है ना. सो पहले अपने घर की सिचुएशन देख लेना कि whether you will be able to use television or not, but otherwise एक Chromecast device आता है, आपको easily Amazon पे मिल जाएगा. otherwise आप किसी भी जो भी music system वाली shops होती है उन पे आप जाके देखोगे तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना. तो उससे क्या कर सकते हो, आपकी जो मोबाइल की छोटी स्क्रीन है वो किस पे हो जाएगी, टेलीविजन पे हो जाएगी, तो आपकी टीवी ऑटोमेटिकली स्मार्ट बन जाएगी. कुछ कह रही हो दीपिका? सर आवाज कट रही है. और ऑनलाइन जीडीपी भी यूज किया सर, मैंने ऑनलाइन जीडीपी भी यूज किया, कोर्सिया भी यूज किया, पर सर जो स्वयं के जो क्वेश्चन थे ना कंपाइलिंग वाले वो नहीं हुए. ओके सर, वो तो स्वयं वाले क्वेश्चन तो स्वयं वाले कंपाइलर में कंपाइल नहीं, स्वयं वाले कोड, स्वयं वाले क्वेश्चन सर जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन थे ना. हाँ अच्छा, जो सर वो नहीं हुए कंपाइल, जो ऑब्जेक्टिव वाले थे वो ना. यस सर. नहीं तो उसमें एरर क्या आ रहा, हेडर फाइल से रिलेटेड? सर वो कंपाइल ही नहीं हो रहा था, एरर कोई शो नहीं कर रहा था पर वो कंपाइल ही नहीं हो रहा था. कंपाइलर सही सिलेक्ट किया था सर? कंपाइलर तो ऑनलाइन जीडीपी यूज किया, उसके बाद में कोड शेफ जो आता है वो भी यूज किया, और एक दो मोबाइल ऐप जो आपने बताए थे सब किया, पर नहीं हुआ. नहीं, ये जैसे ऑनलाइन जीडीपी आपने ऑन किया ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंपाइलर सिलेक्ट किया था C++? यस सर, कंपाइलर C++ 14 ही था, है ना. तो ये किया
अब जैसे अगर अपन ले कोई क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताओ, दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, एक बार चेक कर लेते, बिकॉज ये चीज क्या है, सॉल्व करना जरूरी है, नहीं तो इसके बिना जब तक प्रोग्राम ऐसे नहीं बनाओगे ना, तुम लोग ये डर छोड़ दो कि तुम्हें सब्जेक्ट के अंदर क्लियर होगे नहीं होगे, ठीक है ना, आसानी से क्लियर हो जाओगे, 60-70% तो थियोरेटिकल आता है, तो इसलिए इतना कुछ डरने की बात ही नहीं है। जैसे ये तो सी का ही क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ये क्विज असाइनमेंट बना है, ये वाला सर ट्राई किया सभी था, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, कुछ 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 क्वेश्चन हुए थे सर, ये हो गया था। पर्टिकुलर बताओ, जिस कोई पर्टिकुलर बताओ तो थोड़ा भी ट्राई करते हैं, फिर देखते क्या दिक्कत आई, मैं सॉल्व सर करता और इनकी नीचे चीज को, निकालो। और नीचे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था जो फोर्थ नंबर वाला है। ओके, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम है ना, ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर। नंबर 4, ये वाला यस सर। ठीक है, ट्राई करें। एक एरे बताया हुआ है, ठीक है, एरे के अंदर स्टैटिकली एलिमेंट डाल रखे हैं 5, 20, 15, इंटीजर, पॉइंटर, ए आर आर, ठीक है, क्या करा है, ये एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाया है, इसके अंदर ए ए प्लस 1, ए प्लस 2, फाइन, ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, यहाँ पे इस लाइन में स्मॉल ए क्या है, बताओ, कह अरे रहा हूँ इस लाइन में स्मॉल ए क्या है, एरे सर एरे ये है, एरे ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। एरे एरे नहीं, एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है, एरे तो है, नाम तो एरे है, डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर लाइन में क्या डिनोट कर रहा है, बेस एड्रेस, एक्चुअली पॉइंटर एरे में डाल रहे हो ना आप, तो पॉइंटर में क्या जाता है, एड्रेस ही तो जाता है, ठीक है, और तुम्हें ये ध्यान है, नेम ऑफ एरे इज इट्स बेस एड्रेस, राइट, रिटर्न 0, ठीक है, नाउ लेट अस सी दिस, क्या एरर आती है, देखो चल गया ना, चला, वो कोई कुछ ना कुछ लिखने में गलती रही होगी, है ना, इसको मोबाइल पे किया था या लैपटॉप में किया था, सर मोबाइल पे सर मोबाइल पे किया था ना, तो हो सकता है ना कुछ टाइपिंग का मिस्टेक आ गया होगा, और सी प्लस प्लस पे चला के देखें, ठीक है, अभी आ गया, सी प्लस प्लस, और इस वाले पर्टिकुलर प्रोग्राम में सी प्लस प्लस 14 और सी प्लस प्लस में कोई भी ऐसी चीज एक्सेस नहीं करी हमने जो दोनों में डिफरेंट हो, ठीक है, आप लोग कोशिश करो सी प्लस प्लस 14 पे प्रोग्राम चलाओ, ठीक है, चलो और करते, देखा आज प्रोग्राम जो इसी पे बनाते हैं ना।
ये चीज भी थोड़ा डाउट क्लियर हो कि क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स आती है तुम्हें, है ना। टेल मी, कोई प्रोग्राम किया हो? एक्चुअली प्रोग्राम तुम लोग देखते ही नहीं हो, तो देखोगे नहीं तो क्या प्रॉब्लम्स बताऊंगा तुम्हारे को। कुछ कह रहे हो? दिख रहा है सब लोगों को टेक्स्ट? अच्छा के अंदर आई थिंक फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन आता है ना, ट्राई किया क्या किसी ने? लाइट से अच्छा दिख रहा है, डार्क से अच्छा दिख रहा है? लाइट 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 से। चलो, सो देखो, ऊपर पढ़ो। प्रिंट द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो, क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स नाम से। ठीक है, एक्चुअली क्या ये पहले से क्लास होती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। कीवर्ड कॉम्प्लेक्स कीवर्ड होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग स्मॉल बनाते हैं इसको। ठीक है, देखो, नाउ एक कॉम्प्लेक्स अगर कोई क्लास होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक हमारे पास में रियल वैल्यू होती है और एक हमारे पास में इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम इस क्लास का, कंस्ट्रक्टर को कैसा बनाना होगा? पब्लिक। पब्लिक अगर कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं तो दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स। ये आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हो गया। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दिस इज योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हेयर रियल इक्वल्स टू ए एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू बी। ठीक है, करना क्या है इसका, आपको क्या करना है, प्रिंट द सम। अगर देखो यहाँ पे एक चीज दी हुई थी, बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर सपोज ये नहीं दिया होता, है ना, तो क्या कैन यू इमेजिन कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है? कैन यू इमेजिन, समझ में आ रहा है कैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है? मे बी नॉट, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट, अगर ये लाइन नहीं भी दी होती और मैं तुम्हें बोलता कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड से सॉल्व करना है, तब तुम इसमें क्या करते? जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है वो लाइन नहीं होती। याद करो, शुरू के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, वी लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रिंट द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कोई बता सकता है फिजिकल एंटिटी है क्या इसमें, कौन है फिजिकल आइटम और क्या है ऑपरेशन, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज ऑपरेशन?
अरे कनेक्टेड है हम लोग, आर यू एबल टू हियर मी? चल तो रहा है। तो जो फिजिकल आइटम है इसके अंदर वो कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में फिजिकल एंटिटी होती है वो क्या होना होता है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि दो ऑब्जेक्ट है और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के बनने हैं, तो इसका मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो वी मेक क्लास फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉपर्टीज होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर वन, ठीक है, एंड दिस इज प्रॉपर्टी नंबर टू, दैट दे हैव अ, ये प्रॉपर्टी वन है और ये प्रॉपर्टी टू है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टर बनाना तो भाई गया है तुम लोगों को, कंस्ट्रक्टर का और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? दोनों का नाम सेम होता है, ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? फंक्शन का नाम सेम होता इनिशियलाइज है, करता है। ओके, इनिशियलाइज करता है, कुछ ऑपरेशन भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्टर का प्राइम ऑब्जेक्टिव है इनिशियलाइज करना, बट इट कैन ऑल्सो परफॉर्म सम ऑपरेशन। कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस में मेन डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन रह गया मिड टर्म में पूछना, इसका जवाब आना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी। मैं तुम्हें दो चीजें लिख के दू तो कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज अ कंस्ट्रक्टर और दिस इज अ फंक्शन और नॉट? यस सर, मेरा पढ़ाना ही बेकार है अगर ये सब नहीं अभी तक नहीं बता सकते। सर फंक्शन के अंदर एक रिटर्न टाइप होता है जो कि कंस्ट्रक्टर में नहीं होती। चलो एक डिफरेंस है ना, नोट करते रहो, अभी तुम्हें बताओगे सारे डिफरेंस। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के अंदर पहला डिफरेंस आई थिंक सुरभि हैज कोटेड, तो क्या बताया कि देयर इज अ रिटर्न डेटा टाइप अवेलेबल इन फंक्शन बट इट इज नॉट अवेलेबल इन कॉम्प्लेक्स, मतलब इन द कंस्ट्रक्टर। और कुछ बहुत प्राइमरी है, मतलब तुम बोलोगे सर ये तो वैसे ही पता था। सर क्लास का नेम और फंक्शन का नेम दोनों कभी सेम नहीं हो सकते, पर कंस्ट्रक्टर का और क्लास का नेम सेम होता है। सेम होता है, यस, दिस इज अनदर प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन टू। और बोलो अब वाला, जो अब जो मेरे दिमाग में डिफरेंस है वो जो बताएगा, तो जब तुम आओगे तो मेरी तरफ से चॉकलेट उसी को लेके, है ना। सोचो सोचो, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए भी कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। मेमोरी को क्या? मेमोरी को पार्डन एलोकेट करने के लिए। ऐसे डरते डरते क्या बोल रही हो? मैंने आवाज को काफी खोल रखी है। सर कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, बट फंक्शन नहीं होता है। नहीं, फंक्शन भी तो मेंबर फंक्शन होता है ना, मेंबर तो फंक्शन ही होते हैं एक्चुअली, कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर होता है ना। अच्छा ये बात बताओ, मैं तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहूंगा, तुम कंस्ट्रक्टर बनाओगे या फंक्शन बनाओगे ये बताओ? सिंपल इंटरेस्ट निकालने को कहूंगा। सर फंक्शन और कंस्ट्रक्टर दोनों से हो सकता है ये तो। हो तो सकता है लेकिन लॉजिकली क्या बनाओगे? चलो कंस्ट्रक्टर से बनाया तुमने, है ना, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि सर दोनों से हो सकता है ना। अब सपोज तुमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, अब कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, नीचे मेन में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस समय कंस्ट्रक्टर रन हुआ, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। क्या उस ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स है वो वापस चेंज नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम
तो माना प्रिंसिपल तो आपने जो जमा कराया वही का वही रहेगा, रेट बदलती रहती है, टाइम बदलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी बदलता रहेगा। नाउ रिमेम्बर, जैसे ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, अपन सिंपल इंटरेस्ट के देखो बहुत अच्छे से सोचना है ना, मैं तुम्हें एक स्टोरी रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। आप बैंक में गए, एक एफडी, एफडी जानते हो फिक्स डिपॉजिट है ना, तो फिक्स डिपॉजिट आपने वहां पे जाके क्रिएट करने को बोला। सपोज तुम्हारे जैसे किसी प्रोग्रामर ने बैंक में एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना के दिया हुआ था, तुम्हारे में से दो प्रोग्रामर गए, एक प्रोग्रामर ने तो बना के कैसे दिया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बना दिया, ठीक है, और दूसरा जो गया उसने क्या किया, एक फंक्शन बनाया अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग द टू सिनारियो? अच्छा, अब बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर के पास गए कि हमारी एफडी क्रिएट कर देना, उसने क्या किया, गलती से पहले वाले जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम दिया था सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें कंस्ट्रक्टर से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, उससे उसने कर दिया, ठीक है। नाउ करके एफडी क्रिएट कर दी, एफडी क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही बिकॉज तुमने तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखा हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखते क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है, हो गया ये बात खत्म। ये हुआ एक कस्टमर नंबर ए के साथ हुई ये केस, ठीक है। अब कस्टमर बी गया, कस्टमर बी जाने के बाद में क्या हुआ, उसका मैनेजर ने कौन सा यूज कर लिया, जो दूसरे प्रोग्रामर ने बना के दिया, जिसमें फंक्शन के साथ में सिंपल इंटरेस्ट है, तो उसका भी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में अलग से फंक्शन रन किया सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। दोनों समझ में आ गए केस तुम्हारे को? किसी को केस नहीं आया समझ में तो बताओ, है ना। दो तरह के प्रोग्राम चलाए हैं, एक बार तो क्या हुआ सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का था, इसलिए वहां से सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न हो गया, है ना, रिटर्न हो गया इन द सेंस कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं सकता कंस्ट्रक्टर, कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता है ना, तो रिटर्न तो करना दूर की बात है। अभी क्या हुआ, सिर्फ एक प्रिंट हो गया, स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, कस्टमर को बता दिया कि आपको 1 लाख रुपए आपने जमा कराए हैं, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब दोनों कस्टमर 1 महीने बाद वापस गए, अब बैंक की इंटरेस्ट रेट बदल गई थी, ठीक है। फिर कस्टमर ने पूछा कि बताओ मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ, तो क्या होगा अब ये बताओ, पहले केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बदल गई है, एफडी क्रिएट हो चुकी है, दोनों केस में एफडी क्रिएट हो चुकी है, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके लिए पहला आंसर देखो, ये सोच के बताओ मुझे, हाउ मेनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड और इनिशियलाइज, अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितनी बार इनिशियलाइज किया जा सकता है? कुछ भी बोलो तो सही, एक ऑब्जेक्ट कितनी बार इनिशियलाइज किया जा सकता है? सर इनिशियलाइज तो एक बार ही होगा, पर ऑब्जेक्ट क्रिएट अपन इनफाइनाइट टाइम कर सकते हैं। तो यानी कंस्ट्रक्टर कितनी बार रन करता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कितनी बार रन करता है? सर एक बार ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर होता है। एक ही कंस्ट्रक्टर नहीं होता, कंस्ट्रक्टर तो अलग अलग हो सकते हैं है ना, लेकिन रन एक ही करेगा उनमें से, और एक ही बार करेगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब तुमने क्या क्या सिंपल इंटरेस्ट कब निकाल लिया, जब एफडी क्रिएट करी थी तभी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, क्यों निकाल लिया और क्यों निकालना पड़ा तुम्हें, क्योंकि तुमने सिंपल इंटरेस्ट कहाँ इंप्लीमेंट किया, जाके कंस्ट्रक्टर के अंदर इंप्लीमेंट किया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, अब रेट बदल चुकी है, अब आप ऑब्जेक्ट को वापस इनिशियलाइज तो कर ही नहीं सकते, आपके पास में अलग से कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फंक्शन ही नहीं है। अब क्या कस्टमर ए और कस्टमर बी का सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ी है ना, तो किसको नुकसान होगा, कस्टमर ए को नुकसान होगा या कस्टमर बी को नुकसान होगा? सरे को ए को नुकसान होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसका ओल्ड रेट के ऊपर ही आपने, क्योंकि उसको इनिशियलाइज करते टाइम में आपने एक रेट फिक्स कर दी थी, तो वो इंटरेस्ट किससे कैलकुलेट हो गया, मतलब कैलकुलेट भी नहीं हुआ, वो सिर्फ उस समय प्रिंट हो गया, क्योंकि रिटर्न तो ही नहीं सकता था, या तो जैसे
सिंपल इंटरेस्ट नाम का भी क्या होता, वहां पे एक वेरिएबल होता, जैसे हमने दो वेरिएबल बनाए ना, ऐसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डेटा आइटम एक सिंपल इंटरेस्ट भी हो, या तो आप उसको रख दोगे, लेकिन आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक बार ही उनकी वैल्यू दे सकते हो आप। लेकिन जो काम रिपीटेडली करने होते हैं, जो काम बार बार करने होते हैं, वो चीज हम किसके थ्रू करते हैं, फंक्शन के थ्रू करते हैं, ना कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर सारे काम कर सकता है, बट करता कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है, और वो भी कब, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द थर्ड डिफरेंस दैट आई एम टेलिंग यू, और ऐसा नहीं बताया नहीं है मैंने, है ना? सो कैन यू समराइज द थर्ड डिफरेंस नाउ? फर्स्ट डिफरेंस तो क्या हुआ, दोनों का नाम है ना अलग अलग होता है ना, फंक्शन का नाम क्लास के नाम से मैच नहीं कर सकता, उसका करना जरूरी है। कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, फंक्शन रिटर्न करता है। थर्ड डिफरेंस क्या हुआ? सर अगर हमको कोई काम रिपीटेडली करवाना है तो हम वो कंस्ट्रक्टर से नहीं करवा सकते हैं, बट फंक्शन से वो चीज़ हो सकती है। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इज दैट कंस्ट्रक्टर कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, वाइल फंक्शंस कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ओनली वंस फॉर एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कंस्ट्रक्टर चलता है, बिकॉज वो कब चलना होता है, जब इनिशियलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है? और बाकी सबके लिए क्या होता है, कितनी बार भी हम चला सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शंस को। आगे बात समझ में? तो ऑब्वियसली जो तुमने लाइन कही, इसका इसका रिजल्ट वो है कि हमें वो सारे काम जो बार बार करने हैं उसके लिए फंक्शन बनाना चाहिए, और जो काम हमें सिर्फ पहली बार में करना है इनिशियलाइज करते टाइम में, वो सारे काम हमें किस में करने चाहिए, कंस्ट्रक्टर में करना। इसमें कोई डाउट, जब तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं हुई हो बात तो लेट मी नो। ठीक है, बड़े आगे इस प्रोग्राम में, तो ये हमने बना दिया। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नाम के ये हम लोग ने बात चालू कहां से करी थी, कि कॉम्प्लेक्स नाम का हमने फंक्शन क्यों नहीं बनाया। अब देखो यहाँ पे लिखा है विथ सेपरेट फंक्शन फॉर ईच ऑपरेशन हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है? तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर एंटर्ड बाय द यूजर, इट मीन्स ये नहीं होगा, है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो यूजर के थ्रू बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी इन यूजर के थ्रू लेना है ना, तो सी इन रियल एंड सीरियल इमेजिनरी, ठीक है? क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स इवन। कॉम्प्लेक्स इवन लिखने का मतलब क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया मैंने, ठीक है, यानी सी वन डॉट रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसा, सी वन डॉट रियल प्लस माइनस आयोटा सी टू डॉट इमेजिनरी, ऐसे कुछ होता है ना, रियल प्लस आयटा इमेजिनरी, ऐसे सर कुछ होता आपने है सीएम के लिए क्या? सीन क्यों किया? सर लाइन अच्छा, नंबर सीन फोर्टीन में में आप उल्टा उल्टा लगा दिया ऐसा। यस हाँ सर ठीक है ना? तो देखो अब होगा क्या, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये एम्प्टी वाला, एक्चुअली अब इसकी जरूरत नहीं है ना, दिस इज एक्चुअली एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो क्या करना है, ये रिटर्न होना है, ठीक है? अब एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इसमें आपके पास करेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, और
कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग आउट रियल, सॉरी सी डॉट रियल आयोटा प्लस ले लेते हैं प्लस आयोटा, अभी हम मान रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर ही होगा है ना, प्लस आयोटा सी डॉट इमेजिनरी, ठीक है ये हमारा रियल नंबर, ये हमारा नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है इतने को चला के देखते हैं कैसा चलता है, क्या दे रहा है आईएसओ सी प्लस फॉर्मेट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट कॉम्प्लेक्स विथ नो टाइप, ओके वॉइड नाउ कॉम्प्लेक्स सी, कॉम्प्लेक्स इज द क्लास, ठीक है फाइन। तो ऐसा नहीं करते, डिस्क के थ्रू करेंगे, ठीक है ठीक है। आर यू एबल टू सी द आंसर, क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये जैसे आपने कॉल किया तो ये कंस्ट्रक्टर पे गया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने इनपुट लिया, या पे आप इंस्ट्रक्शन भी प्रिंट करा देते आउट एंटर रियल एट इमेजिनरी नंबर, पार्ट, ठीक है नाउ सी। अब देखो अब अगला काम क्या कह रहा है, देख गया तुम्हारे को इनपुट कैसे लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सी वन हो गया, ऐसे मेरे को दूसरा अब नंबर भी लेना है, मैंने क्या कॉल किया कॉम्प्लेक्स सी टू, एंड ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सी टू होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया टू डॉट प्रिंट कॉम्प्लेक्स, ये आपका दोनों नंबर प्रिंट हो जाएंगे, चला के देख लेते हैं इसको, ठीक है एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट रहते थ्री और स्पेस फाइव, एंटर और थ्री प्लस आयटा फाइव आ गया और फाइव स्पेस फोर एंटर, ठीक है चल रहा है। अब मैं प्रिंटिंग हटा देता हूँ क्योंकि प्रिंटिंग एक्चुअल में हमें वही ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है नाउ करना क्या है, ऊपर ऑब्जेक्टिव देखो प्रिंट सम डिफरेंस है ना, नाउ अब हम कौन सा फंक्शन बनाते हैं सम का, ठीक है सब नाम का फंक्शन है, ठीक है अब सब नाम का जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर देने हैं, ठीक है सीधे देखो यहां पे ध्यान से देखो,
हमने किससे किया, यूजर से कराया है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा था कि टेक फ्रॉम यूजर, है ना, इमेजिनरी पार्ट्स आर एंटर्ड बाय द यूजर, इसलिए हम लोगों ने इसको स्टैटिक नहीं किया। यहाँ पे ये किस तरह से किया हुआ है, यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर कैसे हैं, स्टैटिक है, ठीक है। एक मिनट ना, तुम्हें प्रोग्राम नोट करो, है ना। ओके तो बोर तो नहीं हो रहे हो? हेलो, सर। ठीक है। तो देखो, जब भी सम होगा, ठीक है, तो सम जब भी हम करेंगे तो सम करने के लिए हम जैसे हमें C1 के अंदर C2 ऐड करना है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ऐड C1 विथ C2, ठीक है, एंड वी नीड टू रिटर्न इट इंटू C3, ठीक है, C1.add C2। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, C1.add C2, यहाँ पे आ गया C1 का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा यहाँ से प्रिंट कर दिया कि रियल के अंदर रियल को ऐड कर दिया और इमेजिनरी के अंदर
इमेजिनरी को ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने ये देखो, तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स पी, ठीक है। और ऐसा करते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, यही प्रिंट करा लेंगे, तो वॉइड साइड। अब देखो पी आउट, इस फंक्शन को क्या क्या पता है, क्या इस फंक्शन को सी डॉट रियल पता है? सी डॉट रियल एक्चुअल में कौन है? सी टू डॉट रियल प्लस सिर्फ रियल, इन इसमें ये क्या मतलब हुआ इसका, ये दोनों चीजों का, ये सोच के बताओ। सी डॉट रियल का मतलब क्या हुआ, ये जब फंक्शन कॉल होगा सी टू किस में जाएगा, सी टू जाएगा की के अंदर, सी टू जाएगा की के अंदर, सी डॉट रियल तो ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दिस डॉट रियल, तो दिस डॉट रियल का मतलब कौन हुआ, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया, यानी ये एक्चुअल में कौन हुआ, सी वन डॉट रियल फाइन प्लस आयोटा पी डॉट इमेजिनरी प्लस दिस डॉट इमेजिनरी। अब देखो अब इसमें दिक्कत क्या आएगी देखना, अब नोटिस करना है ना, इसको चलाते हैं एरर आता है क्या कुछ, ये लॉजिक समझ में आया क्या, वहां जो किया हुआ उसको भूल जाओ अभी, है ना। पहले देखो ये एक सिंपल लॉजिक बन सकता है ना, कि आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पास किया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का रियल एक्सेस कर लिया, दिस डॉट रियल से कौन सा किया, इवन जिसने कॉल किया ना इस फंक्शन को उसका रियल एक्सेस कर लिया, एंड सिमिलर इमेजिनरी के लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एरर। देखो एरर, इन द मेंबर फंक्शन वॉइड सब कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम मेंबर रियल इन कॉम्प्लेक्स दिस विच इज ऑफ पॉइंटर टाइप कॉम्प्लेक्स स्टार, ठीक है। काम करते हैं, दिस डॉट रियल छोड़ देते हैं, दिस डॉट इमेजिनरी छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, टू थ्री एंड थ्री फोर फाइव प्लस आइटा सेवन आ गया, कैसा आया? समझ में आया क्या? C1 डॉट सम C2 कॉल किया आपने, तो C1 कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ठीक है, और C2 कौन सा ऑब्जेक्ट है, जिसे कॉल करके ऐड कर रहे हैं, फाइन। तो C2 किस में कॉपी हुआ, C में, तो ये रियल कौन सा हुआ, C2 का, और ये किसका हुआ, C1 का, ऐसे ये C2 का और ये C1 का। एडिशन ऑफ इमेजिनरी नंबर कैसे होता है, रियल रियल ऐड हो जाते हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका तरीका देखें ना, तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ऑल्दो इन्होंने थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको बना रखा है, क्या कर रखा है, देखो जो नंबर पास किया ना उसके डायरेक्ट मेंबर एक्सेस नहीं किए, है ना, उसका मेंबर एक्सेस करने की जगह एक पब्लिक फंक्शन एक्सेस किया, सॉरी मेंबर एक्सेस करने की जगह एक पब्लिक फंक्शन एक्सेस किया, जो उस फंक्शन का अंदर का रियल और इमेजिनरी रिटर्न करता है। दोनों प्रोग्राम में समझ में आया डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? अब ये सम बन गया, तो सम की जैसे ही क्या बन जाएगा, डिफरेंस माइनस ये भी माइनस। नाउ कॉल कर लेते हैं,
पहला हो गया 5 7, दूसरा हो गया 2 3। देखो 7 प्लस आयता 10 है ना, 7 प्लस आयता 10 इज योर फर्स्ट। हमने उल्टा कर दिया ना। एडिशन में तो ऑर्डर फॉलो करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आंसर नेगेटिव में आ गया। यू गॉट दिस प्रोग्राम? तो देखो आज ये प्रोग्राम किससे बनाया मैंने? ऑनलाइन जीडीवी पे बनाया। ओके नाउ हाउ वी मल्टीप्लाई? मल्टीप्लीकेशन पता है तुम्हारे को कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। यस सर, अंडर रूट माइनस कैसे टू अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव करते पॉजिटिव हो जाएगा तो हैं? प्लस वन नेगेटिव आंसर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव हो जाएगा है ना। तो यानी क्या करेंगे, रियल रियल का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन, ये तो क्या बनाएगा, रियल पार्ट है ना, और रियल इमेजिनरी का जो एडिशन है, रियल इमेजिनरी के मल्टीप्लिकेशन और उसका एड जो है वो क्या बनाएगा आपका, रियल पार्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप लोग इसी तरह से इस प्रोग्राम में और इम्प्लीमेंट करना। नाउ Did you find any difference in this approach and this approach? Can anyone explain? जो अप्रोच हमने करी और जो इसमें काम में ली है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? क्या हुआ, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया क्या? क्या हुआ, थक गए क्या? बंद करें। चलो टर्न ऑन योर कैमरा फॉर अटेंडेंस। आई होप अब आप लोग ये आगे वाले प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई वॉन्ट, मैं एक आध प्रोग्राम और कराऊंगा इसमें से, तो जिसके बाद में आप लोग को सारे प्रोग्राम खुद को करने हैं, ठीक है। और फिर ये लेवल 1 खत्म हुआ अभी, तो फिर लेवल 2 और है, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, देखो, क्रिएट अ क्लास कॉल्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैट्रिक्स हो गया, उसका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स नाम की जो क्लास है उसके 2 डेटा मेंबर कौन हो गए, एन कॉलम्स एंड एन रोज, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, द मैट्रिक्स क्लास हैज फॉलोइंग ऑपरेशन, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स यू कैन यूज 2D वेक्टर। ऑब्वियसली 2D एरे यूज कर लेंगे हम लोग, उससे क्या बन जाएगा, हमारे पास में मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे। नाउ द मैट्रिक्स क्लास हैज फंक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ रोज बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है, करें अभी या हो गया? अरे मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? यस नहीं, यह सर आवाज के लिए है कि और करने के लिए है? सर, आवाज के लिए। आवाज के लिए, ठीक
है चलो, टर्न ऑन योर कैमरा, करेंगे बाद में करेंगे। बोलो। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। सर अटेंडेंस लेते ना वो आप जो हाँ, अटेंडेंस लेते जाते, बस करती रहो तुम, बात करती रहो, कैमरा ऑन कर लो। सर जो रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रखे हैं ना, तो उसमें ना जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स वाली वीडियो है वो एक्सेस नहीं हो रही, वो खुलनी नहीं रही है। ओके, तारीख बताओगी मुझे? ऐसे तो नहीं पता पड़ेगा मुझे, डेट है ना व्हाट्सएप करना, ओके कौन से वाले में प्रॉब्लम है तुम्हारे को, है ना? तो मत देखता, और भी कोई लोग ट्राई करो, एक किसी फ्रेंड को बोलना कि ओपन हो सर, जाएगी। ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई कि वो एक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, तो मेरे को है ना डेट यस, और बताना, मैंने ना तो एक बार देखते हैं होगा क्या, कि वो तुम में से किसी के पास होगी, तो उसने क्या मुझे तो ओनर बना दिया होगा, लेकिन आई थिंक कि सबके सबका वो ओनरशिप नहीं गया होगा उसमें, है ना? तो इसलिए अपन उसको करके देख लेंगे, ठीक है? ओके, नाउ टेल मी आज कौन है एब्सेंट? सर भूमिका मेरा दोनों ही प्रेजेंट थे, पर शायद कभी नेटवर्क इशू की वजह से चले गए। ओके, भूमिका और मतलब एक के बाद तो सभी आ गए ना? हाँ, जब ये शिल्पा हॉस्पिटल में से अटेंड कर सकती है, तो मतलब हैट्स ऑफ टू हर की इतना डेडिकेशन से अटेंड कर रही है। चलो, फिर भी 4 4 12 12 भी हो रहे हैं ना, तो कौन लोग हैं? दो लोग कौन हो गए? भूमिका, भूमिका या नहीं, नहीं बच्ची हो है ना थोड़ी देर पहले, और मेघना मेघना। ठीक है चलो चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नया टाइम टेबल मिल गया आप लोगों को, अब क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग होगी। जो आप लोग कर सकते हो वो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इन केस तुम्हें लेटर ऑन वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो, तो मॉर्निंग स्लॉट्स को आइडेंटिफाई कर लो, जिसमें अगर तुम फ्री होते हो तो हम लोग वहां पे उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? यस चलो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू।